एक भगवान जो है बहुत धनवान लेकिन रहस्यों से भरा है इनका धाम। दोस्तों दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान विष्णु यहाँ वेंकटेश के रूप में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के सभी मंदिरों में से यहाँ सबसे ज्यादा दान दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में मौजूद तिरुपति बालाजी मंदिर अपने चढ़ावे में आए सोने चांदी कीमती सामान और पैसों की वजह से सुर्खियों में रहता है। इसी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को वीआईपी मंदिर भी माना जाता है। हर साल भगवान तिरुपति पर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है लेकिन फिर भी पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान तिरुपति यानी विष्णु के अवतार इस देवता को गरीब माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ मंदिर में स्थापित काले रंग की दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं बल्कि वो खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है तो कोई श्रीनिवास तो कोई प्यार से गोविंदा। तिरुपति बालाजी से जुड़ी कई मान्यताएं और विश्वास हैं और कई अद्भुत रहस्य भी। इन रहस्यों को लेकर वैज्ञानिक कुछ भी कहें लेकिन वेंकटेश्वर के भक्त से भगवान का चमत्कार मानते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। वैसे तो ये मंदिर अपने पैसे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन पैसे से ज्यादा इस मंदिर को उसके रहस्यों के लिए पहचाना जाता है। मंदिर में मुख्य दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बचपन में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई और इसी वजह से तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। मंदिर में रखी बालाजी की मूर्ति अपना स्थान बदलती है। मंदिर में मूर्ति को देखकर तब आश्चर्य होता है जब बालाजी की मूर्ति को गर्भगृह से देखने पर वो मंदिर के मध्य में दिखाई देती है और जब मंदिर से बाहर आकर देखे तो वो अपना स्थान बदलकर दाईं ओर दिखाई देने लगती है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान को एक पिचाई कपूर चढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा कपूर है जिसको अगर किसी और पत्थर पर लगाया जाता है तो वो पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है लेकिन भगवान की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता और ये सालों से वैसी ही है। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति रखी है उस पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। ये बाल कभी भी नहीं उलझते। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद रहते हैं। मंदिर में एक और अजीब घटना होती है जिसे लेकर लोग कहते हैं कि सच में यहाँ भगवान रहते हैं। दरअसल मंदिर में बालाजी की मूर्ति पर अगर कान लगाया जाए तो उसके अंदर से आवाज आती है। ये आवाज समुद्र की लहरों की होती है। एक बात और आश्चर्य की है वो ये कि मंदिर में बालाजी की मूर्ति हमेशा पानी से भीगी रहती है। लोग कहते हैं कि मूर्ति को पसीना आता है जैसे समुद्र के पास एक शांति सी महसूस होती है वैसा ही एहसास मंदिर में होता है। मंदिर में सबसे हैरान करता है बिना तेल के जलने वाला दिया। मंदिर में एक दिया है जिसमें कभी भी तेल नहीं डाला जाता और ना ही उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता है लेकिन तब भी दिया हमेशा जलता रहता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस दिए को किसने जलाया था। तिरुपति बालाजी की मंदिर की मान्यता के अनुसार भगवान को जो फूल पत्ती तुलसी चढ़ाई जाती है उसे भक्तों को नहीं दिया जाता बल्कि उसे बिना देखे मंदिर के पीछे के कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। मान्यता है कि इन फूलों को देखना शुभ नहीं होता है। भगवान बालाजी के सीने पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो सीने पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है।
इस वजह से ऐसा किया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का आना मना है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े नहीं पहनती हैं। इन सब वजहों से ही इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर लोग सोने चांदी का दान करते हैं और इसी वजह से ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है।